नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जननायक जनता पार्टी की छात्र इकाई इनसो का 20वां स्थापना दिवस आज राजस्थान के जयपुर में मनाया जा रहा है। 20वें स्थापना दिवस के मौके पर इनसो राजस्थान की राजधानी जयपुर में रणघोष करेगी। इनसो के इस रणघोष कार्यक्रम में कई राज्यों से हजारों युवा भाग लेंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और युवाओं को संबोधित करेंगे। पूर्व इनसो राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जजपा प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने रणघोष कार्यक्रम की कमान संभाल रखी है। दिग्विजय चौटाला इस कार्यक्रम के राजनीतिक मायनों को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जजपा जननायक चौधरी देवीलाल और जजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्मभूमि राजस्थान को मजबूत और बड़ा विकल्प देने जा रही है, जो कि राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। चौधरी देवीलाल जब डिप्टी सीएम थे तब राजस्थान के सीकर से सांसद रहे और डॉक्टर अजय चौटाला दाता रामगढ़ और नौहर से विधायक रह चुके हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में जजपा अहम भूमिका निभाएगी। इनसो स्थापना दिवस कार्यक्रम के बाद जननायक जनता पार्टी के संगठन विस्तार का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इनसो राजस्थान में मजबूती से छात्र संघ चुनाव लड़ेगी और राजस्थान के युवाओं की आवाज़ बुलंद करेगी। शिक्षण संस्थान युवाओं के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है। इनसो उत्तर भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आज इनसो के 5.5 लाख एक्टिव मेंबर हैं। इनसो ने युवाओं के हर मुद्दे उठाए हैं, यही नहीं सामाजिक कार्यों में भी इनसो आगे है। इनसो ने रोहतक में बड़ा नेत्रदान कैंप लगाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है। इनसो से जुड़े करीब 5200 युवाओं ने अंगदान करके इतिहास रचा है। जयपुर से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।